सिद्धार्थ गौतम उस समय के हर मशहूर गुरु के पास गए। उनकी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान पाने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि जो चीज़ समझने में बाकी लोगों को सालों लग जाते थे, वो कुछ ही हफ्तों में सीख लेते थे। समाधि की 8 अवस्थाएं होती हैं। गौतम ने उस सभी अवस्थाओं को कुछ ही समय में प्राप्त कर लिया था। वह सभी शानदार अनुभव थे, मगर फिर भी वह जानते थे कि यह जीवन की संपूर्णता नहीं है। उनके अंदर अब भी ज्ञान पाने की तीव्र इच्छा थी। जब सारे उपाय बेकार हो गए तो उन्होंने अंतिम मार्ग का सहारा लिया, जिसे समाना कहते हैं। समाना साधकों के जीवन के मूलभूत पहलुओं में से एक यह है कि वह कभी भोजन नहीं मांगते, बस चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। अगर कोई सामने से भोजन देता है तभी वे भोजन ग्रहण करते हैं। गौतम ने इस मार्ग को इतनी कठोरता से अपनाया कि वह उस दिशा में भी नहीं जाते थे जिस दिशा में भोजन मिलने की संभावना होती थी। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने शरीर को इतना नष्ट कर लिया कि वह इतने कमजोर हो गए कि बस हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए। एक दिन वो निरंजना नदी के तट पर पहुंचे, जो 2 फीट गहरी एक छोटी सी धारा थी और उसका प्रवाह थोड़ा सा तेज था। उन्होंने धारा को पार करने की कोशिश की। आधी दूरी पर वो आगे बढ़ने के लिए असमर्थ हो गए। उनके शरीर में और शक्ति नहीं बची थी। वहाँ एक पेड़ की टूटी हुई टहनी थी, जिसे उन्होंने पकड़ लिया। पता नहीं वो कितनी देर तक वहाँ खड़े रहे। शारीरिक कमजोरी की वजह से उन्हें वह समय बहुत लंबा लगा होगा, वह कुछ मिनटों का समय भी हो सकता है, मगर उनके अनुभव में वह समय बहुत ही लंबा था। वो बस वहीं अटके रहे। उनके अंदर अगला कदम उठाने की ताकत नहीं बची थी, मगर वह हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सोचा कि वह क्या है जिसकी मैं खोज कर रहा हूँ, वह क्या चीज़ है जिसकी वजह से मैं जीवन की संपूर्णता का एहसास नहीं कर पा रहा। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वह आत्मज्ञान को पाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आत्मज्ञान को खुद के अंदर घटित नहीं होने दे रहे, वह उसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक असीम अनंत आयाम को पाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो शून्य हो गए। अचानक उनके अंदर नदी पार करने के लिए ताकत आ गई। वो जाकर उस वृक्ष के नीचे बैठ गए, जिसे आज बोधि वृक्ष कहा जाता है। वहाँ बैठकर उन्होंने निश्चय किया कि मैं यहीं बैठकर या तो आत्मज्ञान प्राप्त कर लूँगा या यहीं बैठकर अपने प्राण त्याग दूँगा, और वो बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया। बस यही समस्या है कि कोई संकल्प नहीं था। हर 2 मिनट में आपके इरादे बदल रहे हैं। अगर आप पूरी निष्ठा से लगे हैं तो ये जानने के लिए भीतर क्या है तो कितना समय लगेगा। इसे एक पल में हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि तय करने के लिए कोई भी दूरी ही नहीं है। समय सिर्फ तब लगता है जब कुछ दूरी की यात्रा करनी हो। तो गौतम बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए और पूर्णिमा का चंद्र उग रहा था। लेकिन पूर्णिमा के चंद्र को भी लज्जित कर दे ऐसा प्रकाश गौतम में से आ रहा था, और उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त किया और परमानंद की अवस्था में वहाँ बैठे रहे।